कमाल क्रिकेट के एक और कमाल एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और भैया कमाल एपिसोड की यही खासियत है कि एकदम आराम से कमाल अंदाज में हम बात करते हैं, लेकिन खबरें बहुत खतरनाक होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं और खबरें इस बार भी हैं। देखिए भाई साहब, मैं आपको बताऊं ना कि वो भारतीय टीम मुकाबला तो हमारे, उसका कष्ट तो हमें था ही, लेकिन जले पर नमक भी हमारे छिड़का गया है और उसका जो फायदा मिला है वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को मिला है। कैसे मिला है वो बताऊंगा, साथ ही साथ वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो हमारी श्रृंखला है उसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, इंग्लैंड के जो लिमिटेड ओवर श्रृंखला है इसको लेकर अपडेट है। तो सारी अपडेट एक एक करके इस वीडियो में, कमाल क्रिकेट के एपिसोड में आपके सामने रखने वाला हूं। फटाफट से रखता हूं, शुरुआत करता हूं और सबसे पहली खबर के साथ जले पर नमक की बात कर लेते हैं। मुकाबला हारे, बहुत दिल टूटे, बहुत कष्ट हुआ क्योंकि बहुत ही ब्रूटल तरीके से हमारी पिटाई हुई है। खैर उसके बाद जो आईसीसी है उन्होंने भी मेहरबानी नहीं दिखाई और उन्होंने क्या किया कि देखा कि भाई साहब हमारा ना जो वो स्लो ओवर रेट था उसकी वजह से उन्होंने हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दी। 40% यहां पर सभी खिलाड़ियों की मैच फीस काट ली गई है और उससे भी ज्यादा गंभीर समस्या हमारे लिए यह है कि दो बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण अंक WTC की पॉइंट्स टेबल से भारतीय टीम के काट लिए गए हैं इस मुकाबले के बाद, और जिसके चलते जो हमारे पड़ोसी हैं उनको अच्छी खासी राहत और फायदा मिला है। कैसे मिला है चलिए समझिए भैया, क्योंकि WTC की पॉइंट्स टेबल पर अगर ये मुकाबले में हमारा स्लो ओवर रेट का इशू नहीं रहा होता तो हम रहते नंबर 3 स्थान पर पॉइंट्स टेबल पर, लेकिन क्योंकि अब हम जो है 2 पॉइंट्स गंवा चुके हैं उसकी वजह से जो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान है वो थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं। देखिए आप परसेंटेज में फर्क देख लीजिए, बहुत ही माइनर पॉइंट का परसेंट जो है फर्क है, लेकिन उसकी वजह से अब वो पहुंच चुके हैं नंबर 3 स्थान पर, हम डिस्प्लेस हो गए नंबर 4 पर। तो भैया चोट लगे हमको और खुशी उनको होती है, ऐसी कुछ परिस्थितियां यहां पर बनी थी और थोड़ी सी जो परिस्थितियां हैं वो हमारे लिए गंभीर है, क्योंकि अगर हमें टॉप 2 में क्वालिफाई करना है ना तो सभी के सभी मुकाबले जीतने होंगे। अब जितने टेस्ट हमारी भारतीय टीम के बाकी हैं। खैर मैं बात करता हूं यहां पर तीसरी मेजर अपडेट के बारे में, और अपडेट है हिटमैन शर्मा को लेकर। चलिए वापसी इनकी हो रही है लिमिटेड ओवर श्रृंखला में, और यह भी बताया जा रहा है कि आज ये बड़ी श्रृंखला शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हुए नजर आ सकते हैं, जहां पर ये बताएंगे कि भैया मैं फिट हूं, मैं रेडी हूं, मैं पहला T20 इंटरनेशनल तो खेलूंगा ही खेलूंगा, और साथ ही साथ तबाही भी मचाएंगे इस पूरी लिमिटेड ओवर श्रृंखला में अगेंस्ट इंग्लैंड। कहीं ना कहीं यही कोशिश हिटमैन शर्मा की होनी चाहिए और आज वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद चौथी खबर भैया कमाल लाजवाब राहुल के फैंस के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि आप लोग इंतजार कर रहे हो कि KL राहुल की वापसी कब होगी और वेस्ट इंडीज दौरे को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे फैंस, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था और शायद फिर से बताना चाहता हूं कि KL राहुल इन ऑल लाइक्लीहुड वेस्ट इंडीज का दौरा भी मिस करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनके रिहैबिलिटेशन में ज्यादा लंबा समय लगने वाला है, लगभग 1-2 महीने लगेंगे, और ऐसे में KL राहुल अनअवेलेबल है ये हमारे सोर्सेज ने क्लेम किया है, और वो वेस्ट इंडीज दौरे में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। और इसके बाद सिर्फ इतनी खबर नहीं है, क्योंकि क्रिकबज ने क्लेम किया है, बड़े दावे किए हैं और उन्होंने बताया कि वेस्ट इंडीज दौरे में आपको कुछ सीनियर प्लेयर्स रेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं, और इसको लेकर BCCI जल्द ही बातचीत करने वाला है। किससे बातचीत करेगा चलिए बता देता हूं अगली खबर में, बातचीत यहां पर वो कर रहे हैं विराट कोहली, ऋषभ पंत एंड बुमराह से, और सच बात यह है कि उन्होंने बातचीत कर ली। जी हां, रिपोर्ट्स ने यह क्लेम किया था कि 5वां टेस्ट मुकाबला जो खत्म हुआ ना उसी दिन शाम को उन्होंने बातचीत कर ली है, और यह तय तमाम हो गया है कि कौन से खिलाड़ी को रेस्ट देना है, किनको जो है खिलाना है। तो मतलब सिलेक्टर्स बेसिकली गए उनके पास, पूछे कि क्या आपको रेस्ट चाहिए तो हम दे सकते हैं क्योंकि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हम जा रहे हैं, और जिनको नहीं चाहिए वो बिल्कुल भैया खेल सकते हैं, उनको हम स्क्वाड में पिक भी करेंगे, और इसके बाद अब यहां पर स्क्वाड पिक होने वाला है। लेकिन आपके मन में यह सवाल होगा कि सीनियर प्लेयर्स अगर रेस्ट देंगे तो क्या भैया कप्तान साहब भी होंगे? नहीं भैया, नहीं होंगे, क्योंकि रिपोर्ट ने यह क्लेम किया है कि वेस्ट इंडीज दौरे में आपको रोहित शर्मा ही कप्तान के तौर पर देखने को मिलेंगे, उनको रेस्ट टीम नहीं देगी, जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं, जो काफी लंबे समय से खेल रहे हैं, विराट, बुमराह, पंत, मेजरली यही खिलाड़ी हैं, श्रेयस अय्यर को जोड़ सकते हैं आप, जो लगातार खेल रहे हैं उनको यहां पर रेस्ट मिल सकता है, इस तरीके की दलीलें हैं। और जब बातचीत यहां पर इतनी वेस्ट इंडीज दौरे की हुई है तो लेट मी जस्ट टेल यू कि वेस्ट इंडीज दौरे को लेकर जो स्क्वाड है वो इसी सप्ताह अनाउंस होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि कल यहां पर बातचीत उन्होंने कर लिया सिलेक्टर्स ने, अब वो भैया फटाफट से स्क्वाड तैयार करेंगे और जब उनका मन करेगा वो अनाउंस कर देंगे, जिसकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं कि इस वीकेंड के आसपास आपको स्क्वाड अनाउंसमेंट भी देखने को मिल सकती है। खैर इसके बाद इंग्लैंड से मुकाबला हारने के बाद राहुल द्रविड़ सर ने कुछ बड़े बयान दिए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बोला कि देखिए भैया तीसरी पारी में हमारी बल्लेबाजी क्यों बार बार फेल हो जाती है, इस पर हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, और साथ ही साथ चौथी पारी में हम 10 विकेट क्यों नहीं चटका पाए, ये भी एक बड़ा सवाल है, तो इन सब चीजों पर हम रिव्यू करेंगे। हालांकि उन्होंने भी बोला
कि देखिए समय बहुत कम मिलता है, अभी पांचवा टेस्ट मुकाबला हमने खेला और 48 घंटे बाद हमें पहला T20 इंटरनेशनल खेलना है, तो समय थोड़ा सा कम मिल रहा है लेकिन फिर भी हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट खबर, लेकिन राहुल द्रविड़ साहब ने ही बड़ा एक्साइटिंग कॉमेंट किया। उनसे जब पूछा गया कि बैच बॉल स्ट्रैटेजी के बारे में आप क्या बोलेंगे, ये काफी सफल नजर आ रही है, आपके अगेंस्ट तो बहुत पिटाई हुई है, बैच बॉल आप समझ रहे हैं ब्रेंडन मैकुलम बेन स्टोक्स की जोड़ी और उनका आक्रामक खेलने का रवैया ही बैच बॉल कहला रहा है, तो इस पर राहुल द्रविड़ साहब ने बहुत ही चीकी रिप्लाई दिया। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता भैया बैच बॉल क्या है, इसका ये जो टर्म है ये यूज हो रहा है इंग्लैंड क्रिकेट में, वो लोग अच्छा कर रहे हैं तो भाई सब कुछ चंगा सी, बाकी मुझे नहीं पता कि इसका एग्जैक्ट अर्थ क्या होता है। तो यहां पर उन्होंने टांग खींची है लेकिन भाई साहब पिटाई तो मैदान में हमारी भी की गई, मतलब हमारी भी टांग वहां पर टांग के हमारा तो सब कुछ खींच लिया गया, बहुत पिटाई की गई। खैर यहां पर बातचीत करते हैं आज दिन के स्टैट के बारे में, और स्टैट तो भैया बहुत सारे हैं क्योंकि इतिहास ही रचा है इंग्लैंड टीम ने, तो फिर वो जो रूट ने सबसे ज्यादा रन बना दिए एक श्रृंखला में और फिर हम सबसे बुरी हमारी ये हार भी थी, तो बहुत सारे स्टैट है लेकिन उसमें जो आज का मैं एक स्टैट रखना चाहूंगा वो यही है कि हाईएस्ट सक्सेसफुल इतिहास में रन चेज हुआ है टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के अगेंस्ट, जो कि अब है 378 जो कि इंग्लैंड टीम ने चेज किया साल 2022 में। इसके पहले 1977 में सिडनी के मैदान में ऑस्ट्रेलियन टीम ने 339 रन सक्सेसफुली चेज किया था भारतीय गेंदबाजों के विरुद्ध चौथी पारी में, और उस रिकॉर्ड को यहां पर तोड़ दिया है, लगभग 45 साल पुराने रिकॉर्ड को इंग्लैंड टीम ने तोड़ मरोड़ दिया है। और जो बैस बॉल है ना, इन्होंने बहुत बैट बॉल के हस्क के साथ हमारी पिटाई की, ऐसा प्रतीत हो रहा है। एंड देन हम बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, तो आज का जो मेरा सवाल है वो ये है कि 6 टेस्ट लगभग अभी बचते हैं और 6 में से 6 हमें जीतने हैं अगर हम जीतना चाहते हैं, मतलब फाइनल में WTC फाइनल में प्रवेश करना चाहते हैं, और हमें ऑस्ट्रेलिया से मत भूलिए कि शायद 4 टेस्ट मुकाबले खेलने हैं, तो ये बहुत ही तगड़ी राइवलरी होगी। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या भारतीय टीम फाइनल में जा रही है, आपको क्या लगता है भारतीय टीम WTC के फाइनल में जाएंगे, यानी कि 6 के 6 मुकाबले क्या हम जीत पाएंगे, कमेंट सेक्शन फटाफट से हेडर उठाओ लिखकर बताओ। वो पूरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।